Hey guys, welcome back to my channel. जय श्री राम, जय बालाजी महाराज. जा रहा हूँ जिम, जाके मैं वर्कआउट करूंगा. लेकिन इस वीडियो की शुरुआत जो है मैं मतलब एक काइंड ऑफ व्लॉग के तरीके से ही कर रहा हूँ, क्योंकि उसका रीजन है कि मैं एक बहुत लंबे समय से ना व्लॉग टाइप को जिम से कनेक्टेड डाला नहीं था. तो आज वीडियो में जो एंड होगा, जो लास्ट के दो चार मिनट होंगे, वो बहुत ज़रूरी होंगे आप लोगों के लिए समझने के लिए कि क्या चीज़ें प्रोग्रेस की तरफ आपको ले जाती हैं या क्या चीज़ें आपको दिखाती हैं कि आपकी क्या कितनी प्रोग्रेस हुई है. और तो बस अभी जिम में जाके बढ़िया वर्कआउट करते हैं, वो थोड़ा सा हम अपना जो चीज़ें हैं ध्यान में रखेंगे, और उसके बाद लास्ट में आपको वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी बॉडी को किस पॉइंट तक समझ सकते हैं कि किस लेवल पे आप चल रहे हैं. क्योंकि बाहर से दिखना ज़रूरी नहीं, अंदर से भी और जो चीज़ें हैं वो सब मैच होनी चाहिए. सो सी यू इन द जिम. आफ्टर दैट वीडियो पूरा देखना, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं, नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना. क्योंकि मेरे को इतना पता चल जाता है देखो आपके लाइक और सब्सक्राइब से कि मेरा क्या कंटेंट अच्छा था, किस पे मैंने कितना काम करना है आगे. हाँ, सो मैं कोई रेगुलर ब्लॉगर नहीं हूँ, बट स्टिल मैं अपनी वो चीज़ें रखता हूँ अपने चैनल पे जो मेरे लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करते हैं कि सामने वाला इससे कुछ सीखे. और सिर्फ एक लाइफस्टाइल दिखाना है, सिर्फ एक बेसिक चीज़ें बताना है. और ये पूरे वीडियो में मैं हर बार बोलता हूँ, सारा डिस्क्लेमर यही है कि मेरा जितना भी जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने किसी से सीखा नहीं है. जो मैं बोलता हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ. सो सी यू इन द जिम. ऑन द वे टू द जिम आ गए. बस ये रही, अरे रेड स्विफ्ट. अच्छा, मैं तो मेरी चला ही रहा हूँ. तो आ गए हैं जिम, बस वर्कआउट करते हैं. पार्किंग देख लेते हैं कहाँ पे लगानी है अपने को. ये है हमारा जिम, कई बार दिखा चुका हूँ, बार बार दिखा के थोड़ा नहीं हो जाएगा. चलो सी. बड़ी हॉट बस यही कॉपीराइट का सीन चल जाता है.
आर डन विद द वर्कआउट, अभी घर चलते हैं। ये क्रिएटिन है एक स्कूप आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ लेके आने के लिए। और सबसे बड़ी बात, अभी जो कंटिन्यू रहेगा एंड में वीडियो में, जो मेन पर्पज़ है वीडियो का, उसके लिए ज़रूर रुकना एंड आई विल शो यू एवरीथिंग। वर्कआउट मस्त हुआ, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बता देना। सो मिलते हैं घर पे और उस चीज़ पे बात करते हैं जो ज़रूरी है। हाँ तो भाई लोग, अभी वर्कआउट करके मैं ऑफिस के लिए पूरा निकल चुका हूँ, रेडी होके मील लेके पूरा अपना, और जो मेन बात है वो मैं करने वाला हूँ, ये उतार देता हूँ वरना आप लोगों को लगेगा कि शो ऑफ कर रहा है। हाँ तो क्या चीज़ें होती हैं, अगर आप अपनी बॉडी में अच्छा डाल रहे हैं, अच्छी ग्रोथ हो रही है, अच्छी बात है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम एक साथ हो जाती हैं, तब आपकी अंदर से बॉडी स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अंदर से आप कैसे हैं, आपके ऑर्गन्स कैसे वर्क कर रहे हैं, आपका मेंटल पीस की वजह से ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो उसी लिए साल में एक बार आप लोगों को टेस्ट करानी चाहिए पूरी बॉडी का। ये मैंने मेट्रोपॉलिस लैब से कराया है, जो कि एक बहुत अच्छी, मतलब इंडिया में रैंक अच्छे रैंक पे है। तो मैंने मेरा ब्लड काउंट, मेरा ब्लड सेल, मेरा सब कुछ ओके है, मेरे को कोई इशू नहीं है। सेकंड जो सबसे ज़्यादा इंडियन उसमें इशू चल रहा है वो शुगर का चल रहा है, मेरी फास्टिंग शुगर भी अच्छी है। कहीं भी, मतलब मेरे किसी भी पेज पे कोई भी हाईलाइट मार्क नहीं है। कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा मेरा गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, आई डोंट नो कैसे, इसको देखना पड़ेगा। सिर्फ एक यही पॉइंट मेरा चेंज आया है, जिसे हम HDL बोलते हैं, जिसके लिए, जिससे आपका हार्ट हेल्दी रहता है, जो हेल्दी फैट है आपकी बॉडी में वो कम है, इसका मतलब। तो मेरे को थोड़ा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी लीवर में कोई भी हाईलाइट नहीं है, आप देख सकते हैं कैसा भी कुछ भी, लीवर इज़ ऑल्सो गुड। उसके अलावा मेरा यूरिन टेस्ट हुआ था, उसमें भी कोई इशू नहीं है, कोई हाईलाइट नहीं है, ब्लूरोबिन भी ओके है। सबसे बड़ा जो आज के टाइम में आता है वो आता है विटामिन D3, दिस इज ऑल्सो फाइन। मैं ऐसा नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया है, बट फाइन, मेरा 40 के अप्रॉक्स है। तो सफिशेंसी है मेरे में, ऐसा नहीं है कि कम है। और ये आपके की है, ये आपके बहुत सारे पॉइंट को कवर करता है, आपकी टेस्टोस्टेरोन, आपकी बोन स्ट्रेंथ, आपकी मसल कितनी लोड ले रही है, बोन पे तो नहीं जा रहा है। तो उसमें अगर D3 कम है तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी लो होगा, ये बहुत हेल्प करता है। तो ये प्लीज़ ध्यान रखें, टेस्टोस्टेरोन अगर आपके अच्छे नहीं हैं तो शायद D3, विटामिन D3 माइट बी द रीज़न। और थायराइड इज़ ऑल्सो फाइन, और मेरा नॉर्मल जो 3 महीने का एक टेस्ट होता है शुगर का, वो भी अच्छा है, कुछ भी इशू नहीं है, लास्ट प्रीवियस 3 मंथ वाला। और उसके बाद आयरन का भी कोई कमी नहीं है, आयरन स्टडी इज ऑल्सो गुड। तो मतलब मेरा कोई भी किसी भी चीज़ में, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल पे मेरे को काम करना है। उसके बाद मेरा सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट बच गया, कहूँगा ये रहा, दिस इज द की, टेस्टोस्टेरोन। ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन मेरा लास्ट था 500 कुछ, अब मेरा 780 है, जो कि बहुत बड़ा काम करता है आपकी बॉडी मसल बिल्डिंग में, बॉडी बिल्डिंग में। अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लो हैं, आपका ग्लो, आपकी बॉडी, आपके बाल, आपकी आँख, आपकी स्किन, सब कुछ खराब होगा, क्योंकि दिस इज द मेन हार्मोन। गाड़ी बिना पेट्रोल नहीं चल सकती, बॉडी बिना टेस्टोस्टेरोन आपके नहीं चल सकती। सो प्लीज़ आप अच्छा खाएं, अच्छी चीज़ों पे ध्यान दें। मैंने रिव्यू भी दिया था, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर खाना चाहिए आपको नेचुरल हर्ब में। तो ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखें। अगर आप अपनी सिर्फ बाहर की हेल्थ पे फोकस्ड हैं तो आप बहुत गलत ट्रैक पे हैं। मैं ये सब कुछ सीख के बोल रहा हूँ भाई, मैं बिना सीखे कुछ नहीं बोल रहा, पर्सनल एक्सपीरियंस से सब कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोग अपनी हेल्थ अच्छी चाहते हैं तो आपको अपनी अंदर से हर चीज़ को भी परफेक्ट करना पड़ेगा। फिटनेस इज नॉट अबाउट कि आप सामने अच्छे दिखें, आप तगड़े दिखें, आपकी टी शर्ट टाइट आ रही है, डोला कितना, नहीं भाई, आपके ऑर्गन्स, आपका ब्लड, आपका टेस्टोस्टेरोन, आपकी अंदर की हेल्थ कितनी स्ट्रांग है, उतने आप बाहर से स्ट्रांग हो, वरना बाहर वाला कब ऊपर पहुंच जाए कुछ नहीं पता चलता। आप बाहर से दिखने वाले हैं तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, आप अंदर से अगर थोड़े से भी वीक हैं तो आपको नहीं पता। ये जो सोते सोते हार्ट अटैक आ रहा है, ये सारी चीज। अब जैसे मेरा गुड कोलेस्ट्रॉल कम था, पिछले साल भी कम था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो अगर मैं इस पे फोकस नहीं करूंगा, बढ़ गया है मेरा कोलेस्ट्रॉल, अच्छा हुआ है और बढ़ाना है थोड़ा, तो अगर मैं इस पे ध्यान नहीं दूंगा तो मेरे को हार्ट डिजीज हो सकता है, मेरे को हार्ट अटैक आ सकता है, सोते सोते निपट जाए आदमी।
समझ रहे हैं आप, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, तो आप अपनी हेल्थ को देखेंगे कि कहाँ कमी है, तभी तो आप उस पर काम करेंगे ना। जिम में वेट उठाने से और खाना खाने से नहीं बनती भाई बॉडी, और बॉडी बना के करोगे भी क्या जब आप अंदर से हेल्दी नहीं होते। तो ये ध्यान रखें, यही मेरा वीडियो का पर्पज था, वर्कआउट आपको दिखा दिया। और अगर मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपनी जिंदगी में जो भी मेरा वर्कआउट है, जो भी मेरी लाइफस्टाइल है, वो मैं कैरी फॉरवर्ड रखूं, मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूं। आप अपनी हेल्थ को अंदर से मेंटेन रखें, बाहर से तो सभी करते हैं, अच्छा दिखने पे नहीं, अच्छा अंदर से रहने में फील करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यहाँ पे एंड अप कर रहा हूँ, ऑफिस जाना है। सो सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी नॉलेज, अच्छी चीजों की वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आपको कुछ गलत लगे तो प्लीज कमेंट, अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट, वरना मिलते हैं दोबारा नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय श्री राम, जय बालाजी, थैंक यू।